जनपद फिरोजाबाद में आगामी लोकसभा निर्वाचन त्योहारों के दृष्टिगत सभी धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं को सुनकर व उनके निस्तारण करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने के संबंध में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज आगरा द्वारा दी गई जानकारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे राष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, साथ ही है होली का त्यौहार और इसी महीने रमजान का पाक मुकद्दस जो माह है वो आने वाला है। इन सभी के मद्देनजर यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने एक यहाँ पर शांति समिति की एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में मैं भी आज यहाँ शामिल हुआ था, जिसमें जितने भी समाज के जिम्मेदार लोगों थे उनके साथ बातचीत की गई और सरकार की जो पॉलिसी है जो इलेक्शन के संबंध में जो माननीय निर्वाचन आयोग की जो पॉलिसी थी और शांति सुरक्षा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया गया और सारे जितने भी जिम्मेदार लोग थे उन सभी ने पुलिस को प्रशासन को कलेक्टर साहब को सबको यह पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि जो नागरिक समाज के लोग हैं उनका पूरा समर्थन जो है वो हम लोगों के साथ रहेगा और कहीं भी यदि कोई अफवाह की बात करता है तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हमारे इस पूरे जनपद में पूरे रेंज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उस पर हम लोग काबिज हैं और कोई भी व्यक्ति यदि अफवाह के द्वारा कुछ करना चाहेगा तो उसको कानून के धाराओं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उसको जमींदोज कर दिया जाएगा।